तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से लेके एक्स तक, इसको जीरो से लेके टू से लेके। तो ठीक है, dx इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है, सब यहाँ पे हो चुका है, और तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और t स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3। लिमिट डालनी है पल मेरी साड़ी पर 0 से लेके जूस पी रहा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, जीरो से लेके कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था, हाँ कौन था, मैं थी तुम थी, मैं थी तुम थी, कौन था, ये राशि।